मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले गदा युद्ध होगा। द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हमारे जंगा पर बिठा दो। मामा के भांजे मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे। बाहुबली ट्रिपल आर जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले एसएस राजामौली सर ने इतिहास की सबसे महंगी फिल्म की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, एसएस राजामौली सर भारतीय महाकाव्य महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते हैं। यह फिल्म 10 भागों में रिलीज होगी। एसएस राजामौली सर ने हाल ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि महाभारत बनाना उनका सपना है। वो कई सालों से महाभारत बनाने का सपना देख रहे थे और दोस्तों अब उनका सपना साकार होने जा रहा है। एसएस राजामौली सर ने कहा कि उन्हें इस महाकाव्य को पढ़ने में ही एक साल का वक्त लगेगा, वो अभी इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार नहीं है। राजामौली सर ने कहा कि अभी मुझे और अनुभव की ज़रूरत है और इसे बनाने में जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी हर फिल्म को ऑडियंस से जोड़ना चाहते हैं। एसएस राजामौली सर अभी अपनी फिल्म SS MB29 की प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इनकी यह फिल्म साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ होने वाली है। इस फिल्म को लेकर भी लोगों में एक्साइटेटमेंट बहुत खतरनाक है। इस प्रोजेक्ट के बाद एसएस राजामौली सर के पास एक और प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद हो सकता है कि एसएस राजामौली सर महाभारत की इस बड़ी फ्रेंचाइजी पर काम शुरू कर दे। अगर एक बार इस फ्रेंचाइजी पर काम शुरू हो गया तो एसएस राजामौली सर इसके बाद 10 साल तक किसी भी फिल्म पर काम नहीं करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर फिल्म एसएस राजामौली सर की है तो फिल्म का बजट बड़ा होना नाजमी है। जी हाँ दोस्तों, इसके मेकर्स ने अनुमान लगाया है कि इस फिल्म का बजट लगभग 5,000 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह इतिहास की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। महाभारत मूवी के लिए आप कितने एक्साइट है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गुड बाय, जय श्री राम।